हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज शाहबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अब तक अपना संगठन तैयार नहीं कर सकी, वह प्रत्याशी कहां से उतारेगी। कांग्रेस में जो अधिक बोली लगाएगा उसे टिकट मिल जाएगा। नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। अगर आने वाले समय में कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आगे क्या निर्णय लेना है वो पार्टी देखेगी। सुशील गुप्ता द्वारा खेतों में फसल काटे जाने के सवाल पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने इससे पहले कभी फसल काटी है या नहीं, लेकिन उनके नेता राहुल गांधी भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। कभी वह मैकेनिक बन जाते हैं तो कभी किसान। राहुल गांधी को पता है कि उनका राजनीति की दुकान तो बंद हो गई है, इसलिए वह देखते हैं कि आगे क्या करना है। दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक वह हमारे साथ थे तब तक वह भी कहते थे कि 400 पार, लेकिन अब जब अलग हो गए तो उनके बोल बदल गए हैं। यहाँ पे इन्होंने पायलट्स का इमिग्रेशन और इमिग्रेशन स्टडी वीसा का इन्होंने निकला है और अच्छा चलेगा। बहुत पुराना परिवार, परिचित परिवार है और बहुत इनका संपर्क है। जब है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं। ये इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, पटना प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले देगा। तो सर मैं अपने हल्के में, मेरा जिम्मेवारी है, मैं वहां से पूरी ताकत लगा। सर सुनिए, देखिए राजनीति में आदमी चाहे जो भी हो पर उसको भाषा का ठीक प्रयोग करना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जो उसने भाषा का प्रयोग किया, गिरे से गिरा आदमी भी नहीं कर पाऊंगा भाषा का। और वो मंच पे खड़े होके अपने आप को बताना चाहते हैं और इतनी बार राजनीति में वो भी रहे हैं, उनके फादर भी रहे हैं, तो वैसे नहीं। आपने कटाक्ष करी है, विपक्ष का काम है कि वो कटाक्ष करे, लेकिन मर्यादा में जब हिमाचल में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती, वहाँ ईवीएम नहीं थी, इनका एक भी लीडर ने बोला। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, एक भी लीडर ने बोला। ये तो अब हारने के बाद क्या लेके पिटना है, क्या नाम लेके रोना हमने, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए बार बार ईवीएम करते जा रहे हैं। बाद में तो इन्होंने यही कहना ना, हाय मर्गी ईवीएम, मर्गी ईवीएम, यही तो करना है सर। दुष्यंत चलो देखो कैसा है, वो जब तक वो हमारे साथ थे तब तक वो भी यही कहते थे 400 पार, अब मजबूरी है। तो जब तक कोर्ट से क्लियर होकर नहीं आ जाता, आप किसी पर रोके नहीं ठहरा सकते। कोर्ट का कोई आएगा तो उसको देखी जाएगी, इसलिए अब वो पूरी तरह से उनका मन कांग्रेस से विमुख हो चुका होगा। जयराम रमेश ने कहा कि 10 साल से नवीन जिंदल ने पार्टी का एक भी काम नहीं करा, तो आदमी का माइंड बदल सकता है। बदल गया माइंड और पता लग गया कि भी जिस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ हूँ उसने यही धक्के खाते रहना, उसने आगे नहीं कहीं जाना, आगे जाने वाली गाड़ी तो भाजपा की है। नहीं देखो ऐसा है, वो उसमें अब जो बोरी जिसने उठाई है, हो सकता है किसी की मदद करती हो, मुझे उसका पूरा किस्सा मालूम नहीं है, लेकिन जिसकी आप कह रहे हो कि फसल काट रहा है, अब उसको तो पता कि मेरा राजनीति की दुकान तो बंद होगी। राहुल गांधी को पक्का पता है, इसीलिए वो कई कामों में कभी वो आके स्कूटर के नट कसने लग जाता है, कभी फसल काटने लग जाता है, कभी ट्रैक्टर चलाने लग जाता है, तो वो अलग अलग कामों में अपना देख रहा है कि बाद में क्या करता है। हरियाणा के चुनाव को लेकर हरियाणा में 10 में से 10 आएंगे। तो सर 10 में से 10 सर अम्बाला आप देखिए ऐसा है, मैं तो आपके सामने सब कुछ छोड़ के आ गया, इसलिए मेरा कहना तो ठीक नहीं है कुछ भी।
जो जवाब देंगे वो मनोहर लाल जी देंगे, या दुष्यंत जी देंगे, या जो अब हमारे मुख्यमंत्री बने हुए। थैंक यू। न्यूज डेस्क, एनालाइज।